प्राची ने इस एग्जाम में टॉप किया है। रिया, रिया तुमने इस एग्जाम में सबसे लो स्कोर किया, 59%। व्हाट? ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे इतने कम मार्क्स? और सांची कैसे टॉप कर सकती है, वो तो एक बिलो एवरेज स्टूडेंट है। और उसके हाथ में तो चोट लगी थी, उसके बावजूद वो अपने थ्योरी एग्जाम में टॉप कैसे कर सकती है? नो, आई एम श्योर उसने चीटिंग की है। अबे ओ, क्या बकवास कर रही हो? उस वक्त एग्जामिनेशन हॉल में डॉक्टर कबीर ने सबके सामने चेक किया था, कुछ नहीं था सांची के पास। हाँ तो हो सकता है उसने पहले से कुछ किया हो। तुम कहना क्या चाहती हो रिया? यस रिया, व्हाट डू यू मीन? सर, कल जब मैं आपके कैबिन में आई थी तो मुझे एक सेकंड के लिए लगा था कि वहां पर कोई है। हो सकता है वो सांची हो और उसने क्वेश्चन पेपर चुराया हो। क्या? सर, मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैंने पेपर नहीं चुराया है। ओ गॉड, सांची बिना गलती के ना फंस जाए। ये देखिए आज का क्वेश्चन पेपर। मुझे नहीं पता ये मेरे बैग में कैसे आया। Sir, I swear this is not mine. चोर कभी ये नहीं कहता कि उसने चोरी की है डॉक्टर सांची। As far as I'm concerned, ये क्वेश्चन पेपर तुम्हारे बैग से मिला है, मतलब कि ये तुम्हारा ही है। And do you know what I think? Well, I think कि अच्छे मार्क्स पाने की लालच में तुम इतनी अंधी हो गई थी कि पेपर चुराने से पहले तुमने एक बार ये नहीं सोचा कि जब तुम जैसी बिलो एवरेज स्टूडेंट टॉप करोगी, वो भी अपने हाथ पे ये चोट खाने के बावजूद, तो सबका शक सिर्फ तुम पर जाएगा। तब चाहे तुम ये बात मानो या ना मानो, मैं समझ चुका हूं कि ये क्वेश्चन पेपर तुम ही ने चुराया है। पेपर सांची ने नहीं। मैंने चुराया था। तुम्हारे बैग में जो कुछ था तुमने उसे पढ़ लिया ना, सब कुछ अच्छे से चेक किया ना? इनफ डॉक्टर वीर, तुम हर बार इस लड़की की गलतियां अपने ऊपर नहीं ले सकते। ये आज यहां सबके सामने रंगे हाथों पकड़ी गई है, इसलिए मैं डॉक्टर सांची अग्रवाल को सावित्री देवी कॉलेज एंड हॉस्पिटल से रस्टिकेट करता हूं। अब तुझे इस हॉस्पिटल में सिर्फ अपनी डिग्री के लिए नहीं, अपने पापा का सपना पूरा करने के लिए रहना ही। बेटा, इस रास्ते में कई बार ऐसा होगा कि हालात तुम्हारे काबू में नहीं होंगे, पर डरना मत बेटा, अपने ऊपर यकीन रखना, और अगर तुम्हारा इरादा सच्चा होगा तो जीत सिर्फ तुम्हारी होगी। लेकिन बिना मेरी सच्चाई सुने आप मुझे रस्टिकेट नहीं कर सकते। मैंने कोई चीटिंग नहीं की है सर।
अगर आपको अब भी यकीन नहीं है तो आप मेरा ओरल टेस्ट ले लीजिए, और अगर मैं एक भी सवाल का जवाब ना दे पाऊं तो मैं खुद ये हॉस्पिटल छोड़कर चली जाऊंगी। And that's my promise to you, Dr. Manotra. Dr. Sachi Agarwal, अब तुम्हारी डिग्री और तुम्हारे बीच सिर्फ 10 सवालों का फासला है. 10 questions coming up. और तुमने एक भी गलत जवाब दिया, जैसे तुमने खुद कहा, तुम ये कॉलेज छोड़कर चली जाओगी. I'm ready for it. भगवान जी प्लीज साची को बचा लेना. हे बजरंग बली, अब आप ही का सहारा है, बीच मझधार में हमारी लड़की को डुबाना मत. ओके डॉक्टर साची, आपका पहला सवाल, 18 महीने के बाद एक बच्चे को कितने वैक्सीन लगेंगे? सर, 2 साल पर टाइफॉइड बूस्टर, 4 से 6 साल के बीच में DPT, OPV और MMR वैक्सीन के लास्ट इंजेक्शन. सही जवाब. दूसरा सवाल, मलेरिया में कौन सा ड्रग दिया जाता है और उसका डोज क्या होना चाहिए? सर, क्लोरोक्विनाइन 25 mg पर kg अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट. उसके 3 डोसेज होंगे, और अगर पेशेंट प्रेग्नेंट औरत है तो क्विनाइन 0.25 mg पर kg अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट. उसके 14 दिन के डोसेज होंगे. सही जवाब. आपका तीसरा सवाल साची, पांचवा सवाल डॉक्टर साची. एक मिनट कबीर, ये क्या कर रहे हैं आप? कहीं जानबूझकर उसे आसान सवाल तो नहीं पूछ रहे? अब मैं एक सवाल पूछूंगा और इसकी असलियत बाहर आएगी. किसी को हराने के लिए डॉक्टर मल्होत्रा किसी भी हद तक जा सकते हैं. क्या कर रहे हो भगवान? अच्छे खासे तो जवाब दे रही थी कि मल्होत्रा जी के मन का रावण काहे जगा दिया. ओह गॉड, प्लीज 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 हेल्प साची. थर्ड कैटेगरी डॉग बाइट में क्या ट्रीटमेंट करेंगी आप? तो मैं उसे एंटीबायोटिक्स दूंगी और उसकी चोट को खुला रख के नॉर्मल ड्रेसिंग करूंगी. चोट खुला छोड़, स्टिचेस नहीं लगाएंगे आप? तो डॉग बाइट को स्टिचेस नहीं कर सकते, और अगर करेंगे तो रेबीज वायरस फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं. एक 60% स्कोरर को इतना कुछ कैसे आता है? हार्ट अटैक पेशेंट को कैसे हैंडल करेंगी आप? सब ब्लड क्लॉट रोकने के लिए एस्पिरिन दूंगी, ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए और हार्ट का लोड कम करने के लिए नाइट्रोग्लिसरीन थेरेपी और
और चेस्ट पेन कंट्रोल करने के लिए एनाल्जेसिक। इनमें से किस कंडीशन में पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाता है? मल्टीपल माइलोमा, ईविंग्स कार्सिनोमा, कॉन्ड्रोसार्कोमा या ऑस्टियोसार्कोमा? अबे यार, ये कैसे कैसे सवाल कर रहे हैं, हम तो दो सवाल में ही ढेर हो जाते। इनमें से किसी में भी नहीं। अब एक आखिरी सवाल जो मैं यहां नहीं आई डिपार्टमेंट में पूछूंगा। प्लीज फॉलो मी। एक मिनट सर। अरे एक मिनट भाई, कौन है आप, क्यों बंद करें, क्या चाहिए? इनकम टैक्स ऑफिसर। इनकम टैक्स सर, क्या हुआ लेकिन, क्यों आप यहाँ क्यों आए? हमें पता चला है कि तुमने मार्केट से बहुत सारा पैसा उठाया है अपना काम शुरू करने के लिए, लेकिन तुमने ना ही अपनी कंपनी को रजिस्टर किया है, ना ही कोई टैक्स भरा है। इस प्रॉमिसरी नोट में सब कुछ लिखा है कि तुमने कहाँ से पैसा उठाया है और आप कब उसे वापस देने वाले हैं। सर अब इसमें अंग्रेजी में क्या लिखा है सर, हमको तो कुछ समझ नहीं आता, लेकिन हमने ऐसा कोई कागज किसी के साथ साइन नहीं किया है सर। ये सिग्नेचर तुम्हारे हैं? हाँ हाँ सर, सिग्नेचर तो मेरा है, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ सर, ये साइन कब, किसने मुझसे कहाँ कराया, मुझे कुछ नहीं पता सर। ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, रूल के हिसाब से तुम्हारी फैक्ट्री को सील करना होगा। अरे नहीं, ऐसा मत करिए, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे सर, ऐसा मत करिए प्लीज। देखिए मैडम, ये सरकारी नोटिस है, इस मामले में हम कुछ नहीं कर सकते। सर प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ सर प्लीज, मेरी फैक्ट्री बंद मत कीजिए सर। हमारा काम हमें करने दीजिए, हम तुम्हारी बात को नहीं मान सकते। ये रहा तुम्हारा आखिरी सवाल। इस लड़के की दोनों आंखों की विजन चली गई है, कुछ महीने पहले तक थोड़ी बाकी थी लेकिन अब 98% चली गई है। इसे ना तो डायबिटीज है और ना ही इसकी रेटिना डिटैच हुई है। सो डॉक्टर साची, तुम्हारे पास एक मिनट है, एक मिनट में इसकी रिपोर्ट्स देखकर मुझे यह बताओ कि इसकी विजन क्यों गई। Your time starts now. ये फेयर नहीं है, एक मिनट बहुत कम है और ये केस कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे सर से बात करनी चाहिए। सर, टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर। इसमें इसकी MRI रिपोर्ट नहीं है। बाकी रिपोर्ट से तुम्हें MRI की रिपोर्ट क्यों चाहिए? क्योंकि शायद इनकी आंखों में ब्लड लीक है और उसका कंफर्मेशन सिर्फ MRI से ही मिलेगा।
एक्स्ट्रा टाइम लेने के लिए बहुत ही बेकार बहाना है। जब तक एमआरआई रिपोर्ट्स आएगी तब तक मेरा फैसला बदल जाएगा। एमआरआई रिपोर्ट्स आने तक मैं तुम्हारे सही या गलत होने का इंतजार नहीं करूंगा। इनफैक्ट सर, ये इनके एमआरआई रिपोर्ट। साची का आंसर बिल्कुल सही था, इसकी आंखों में ब्लड लीक है। अब बताइए सर, क्या फैसला है आपका? मैं जाऊं या रुकूं? तो आपकी इस चुप्पी का मैं हां समझूं? एंड थैंक यू सो मच कि आपने मुझसे इतने टफ क्वेश्चंस पूछे। अगले टेस्ट में मैं इससे भी ज्यादा टफ क्वेश्चंस के लिए रेडी रहूंगी। नो एक्चुअली, क्योंकि ऐसे ही टफ क्वेश्चंस की वजह से तो हमें पता चलता है कि हम कहां स्टैंड कर रहे हैं और हमें और कितने मेहनत की जरूरत है। जिंदगी में मैंने कभी चीटिंग नहीं की और ना ही कभी करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूं डॉक्टर होने का मतलब क्या होता है। ये डिग्री रुतबा मुझे मेरा फर्ज और धर्म नहीं भुला सकता। कहा था ना, मैंने चोरी की है। उसी वक्त मान लेते तो अभी ऐसी बेइज्जती नहीं होती। एक महीने में कोई भी एवरेज स्टूडेंट इतनी इंटेलिजेंट नहीं हो सकती। कुछ तो गड़बड़ है, पता करना पड़ेगा। कुछ तो है जो दिख नहीं रहा। एक बिलो एवरेज स्टूडेंट इतनी जल्दी इतना कुछ नहीं सीख सकती। अरे फोन उठाए वैद्य जी ने। थोड़ी देर बाद 50 बार लगा चुका हूँ, उठा ही नहीं रही है। ये सब ना इनकी वजह से हो रहा है। कल जिस तरह से वैद्य जी की बेइज्जती हुई ना, उसके बाद वो तेरा फोन क्यों उठाएगी? मेरी वजह से मतलब? मैंने ऐसा भी क्या कर दिया सुमन? वाह वाह, लो पहले चोरी फिर सीना चोरी। कल वैद्य जी के मुंह पर काले किसने पोतवाई थी? उनके गले में चप्पलों का हार पहनाकर सारे मोहल्ले में किसने घुमाया था? वैदेही के साथ जो भी हुआ वो उसके कर्मों की सजा थी। तुम लोग अभी भी नहीं समझ रहे कि उन्होंने जो भी किया इनके भलाई के लिए नहीं बल्कि मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए किया है। इतना सब कुछ होने के बाद भी आप सब अभी भी उसकी जबान बोल रहे हो, तो और क्या करें जया? अरे माना उससे गलती हुई है, पर वो कितनी बड़ी हस्ती है तुम्हें पता है? अरे वो अगर अशोक को बना सकती है तो बर्बाद करने की हिम्मत भी है उसमें। तुम समझते क्यों नहीं हो? तुमने जो भी उसके साथ किया वो कुछ ज्यादा ही हो गया, उस सब की जरूरत नहीं थी। अरे माँ जी रहने दीजिए, इनको ये सब बोल के कोई फायदा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती है, इस परिवार की इनको कोई फिक्र थोड़ी है। ऐसी बात नहीं है खुशबू, मुझे भी अपने परिवार की फिक्र है, इसीलिए नहीं चाहती थी कि देवर जी किसी भी गलत इंसान के साथ काम करे। अगर देवर जी चाहे तो वो मेरे चकली के काम में हाथ बटा सकते हैं।
हम दोनों मेहनत करके ये बिजनेस फिर से खड़ा कर सकते हैं। नहीं 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 बस, और एहसान करने की जरूरत नहीं है, हम पे बहुत कर चुकी हैं आप। हाँ सही कहा खुशबू ने, अगर अशोक इसके साथ काम करेगा ना तो और डूब जाएगा, और जिंदगी भर इनके एहसानों के तले दबा रहेगा ना वो अलग से। ओ वाओ साची, तुमने तो कमाल ही कर दिया, एक पे एक गुगली मारी है। हाँ साची, पार्टी तो बनती है, योर ट्रीट। ओके व्हाटएवर। साची आई एम रियली सॉरी, तुम मेरी वजह से फिर से प्रॉब्लम में पड़ गई, लेकिन मेरा इरादा गलत नहीं था, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था। लेकिन गलत तरीके से, ऐसे पेपर चुरा के तुमने सिर्फ तुम्हारी ड्यूटी को ही नहीं वीर, हमारी दोस्ती को भी धोखा दिया है। यार मिस गोलगप्पा, इतने कायदे कानून के साथ मत जिया करो, थोड़ा तो फ्लेक्सिबल रहो लाइफ में। डॉक्टर कबीर, हेड इंटर्न डॉक्टर साची। साची, बीइंग द हेड इंटर्न, तुम्हें किसी एक को अपना असिस्टेंट चूज करना होगा। सर, आज से मैं, आई एम श्योर ये साची अपनी पपेट्स ईशा या प्रज्ञा में से किसी को चूज करेगी। वीर को एज असिस्टेंट चूज करती हूँ। मिस गोलगप्पा ने अच्छा बदला लिया है, अब ये हेड इंटर्न बनके मेरे सर पे नाचेगी। लग गई लंका इस नालायक की। तो साची, आज से हर इंटर्न की जिम्मेदारी तुम्हारी, उन्हें ड्यूटी असाइन करना, उन्हें हेल्प करना, सारे पेशेंट के रिकॉर्ड्स प्रॉपरली मेंटेन रखना, आज से ये सब तुम देखोगी। वैसे कल मेरा ऑफ है, लेकिन मुझे हर सेकंड की रिपोर्ट चाहिए। ओके? यस सर। डॉक्टर कबीर भी छुट्टी लेते हैं। अभी हो अपन गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे होंगे, गलती मार कहेंगे डॉक्टर कबीर हॉस्पिटल में। ऐसे मत बोल, मुझे बुरा लगेगा। यस सर। साची ने तुम्हें एज ए असिस्टेंट चूज किया है, तो बी रिस्पॉन्सिबल, तुम्हें साची की हर बात माननी होगी। Don't disappoint me, okay? Yes, sir. Enjoy, guys. हमें हमारा मुजरिम मिल गया, उसे उसके हिस्से की सजा भी मिल गई। अब बस हमें अपने ग्राहकों का भरोसा फिर से जीतना है, अपने बिजनेस को फिर से बुलंदी पर ले जाना है। पुष्पा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने हमें तुम्हारा घर दिया है काम शुरू करने के लिए। इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं भाभी, हम कल भी आपके साथ थे और हमेशा आपके साथ रहेंगे। अरे चलो चलो, सब काम पे लग जाओ। क्या बात है भाभी, अब तो सब सही होने जा रहा है, फिर आप इतनी परेशान क्यों हैं? क्योंकि देवर जी का काम बंद हो गया, तो घर पे सबको लगता है ये सब मेरी वजह से हुआ है, पर मुझे भरोसा है पुष्पा, एक बार हमारा काम अच्छे से जम जाए तो देवर जी भी हमारा साथ देंगे। बस एक बार देवर जी का काम शुरू हो जाए, वो अपने पैरों पे फिर से खड़े हो जाए, तो दिल थोड़ा हल्का हो जाएगा। भाभी आप दिल छोटा मत करें, हम सब आपके काम में आपकी मदद करेंगे। साची। हेलो साची। हेलो माँ, आपको एक न्यूज देनी है, मैं एग्जाम में फर्स्ट आई हूँ।
मुझे पता था बेटा कि तू फर्स्ट ही आएगी। मुझे पता है तू मेरी जिंदगी की एक लौती वजह है जो मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी मेरी जिंदगी में खुशियां लाती है। बेटा मुझे तुझ पर बहुत गर्व है साची। माँ आपके इसी भरोसे का नतीजा है कि मैं हर बार अच्छे मार्क्स से पास हो जाती हूँ। माँ आप अभी आराम कर रही होंगी ना? मैं आपको कल फोन करती हूँ, बहुत सारी बातें करनी है। हाँ हाँ ठीक है, ध्यान रखना साची। बाय बेटा। बाय, गुड नाइट। प्रिया, गुड मॉर्निंग बेबी। 4 बज चुके हैं और तुम अभी तक सो रही हो। लुक एट मी, मैं एकदम रेडी हो गया हूं। लगता है तुम भूल गई, आज तुम्हारे व्रत का पहला दिन है। चलो जाओ, फटाफट जाओ और रेडी हो जाओ। आज सब कुछ पंडित जी के बताए गए समय के हिसाब से होगा प्रिया। जाओ ना प्रिया, ना क्या हो? आई एम वेटिंग। 2 मिनट में बाहर आना, ओके? वीर भाई देखो ना कौन है। अरे यार मैं नहीं उठने वाला, तू देख। अबे देखो ना यार, अब दरवाजे के पास हो। कौन है भाई, सुबह सुबह मूड की बैंड बजा रहा है। मिस गोलगप्पा, तुम सुबह सुबह क्या कर रही हो? अभी तो सिर्फ 7 बजे है, मेरी ड्यूटी 9 बजे शुरू होती है। तुम्हारी ड्यूटी शुरू और खत्म मेरे कहने पे होगी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी अच्छे से चले तो तुम्हें मेरे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, वरना मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगी। पूछूंगी जिनके मुझे करेक्ट आंसर्स चाहिए, वरना मैं तुम्हारी शिफ्ट 1 घंटा एक्सटेंड करूंगी, समझे? अब मुझे आधे घंटे में हॉस्पिटल में मिलो और अपनी डायरी लेके आना। ये मिस गोलगप्पा से देखी मिर्ची कैसे बन गई यार? भाई तेरी तो लग गई। प्रिया जी आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको पता है ना आपको सिर्फ 2 बार खाना मिलेगा। मैं खा नहीं रही थी और वैसे भी पंडित जी ने चाय कॉफी के लिए कुछ नहीं कहा था। पानी भी आपको सिर्फ 2 बार मिलेगा, वो भी मुहूर्त देखकर। फिर चाय कॉफी तो आप भूल ही जाइए। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, इसमें तो प्रिया हॉट, ये क्या नाटक लगा रखा है तुमने? और बीबी पहले दिन ही लापरवाही। नॉट डन। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुन, आज से रुक्मणी जो भी तुम्हें व्रत के बारे में कहेगी तुम्हें उन्हीं की बात सुननी होगी, ओके? मैंने पंडित जी से सब पूछ लिया है कि प्रिया जी को क्या करना है और क्या नहीं। आपको दिन में सिर्फ 2 बार खाना मिलेगा और पानी भी 2 बार ही मिलेगा, वो भी मुहूर्त देखकर। और हाँ आपका खाना एकदम सादा होगा,
उसमें नमक मिर्च मसाला कुछ भी नहीं होगा। आप तो बस व्रत के बारे में ही सोचिए। और हाँ, रोज शाम को मैं आपका वजन लूंगी। आपका वजन जितना घटेगा आपके पति के लिए उतना ही अच्छा होगा। अच्छा चलिए, आपके मृत्युंजय जाप का समय हो रहा है। बेबी, जाप करो। मधु, गायनेकोलॉजी। बाला, जनरल वार्ड। प्रशांत, ऑप्थमोलॉजी। ऋषि, कार्डियोथोरेसिक। ईशा, न्यूट्रिशन। प्रज्ञा, ऑर्थोपेडिक। रिया, गायनेकोलॉजी। ओके गाइस, सो यू कैन कंटिन्यू विद योर ड्यूटी। थैंक यू। इसका ये ड्रामा मैं ज्यादा दिन चलने नहीं दूंगी। पता करना पड़ेगा कि एक एवरेज स्टूडेंट अचानक से हेड इंटर्न टॉपर कैसे बन गई। मृत्युंजय जाप से पहले दिया जलाते हैं। अब हाथ जोड़ो। अब इस ग्रंथ में से इस श्लोक का जाप करो। ओम त्रम कम यजा महे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम। मॉम, मैंने ये कभी पढ़ा नहीं है, इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है। आप कहे तो मैं ये आज म्यूजिक सिस्टम में सुन लूं, फिर धीरे धीरे सीख लूंगी। ठीक है, आओ। नहीं, पंडित जी ने साफ साफ कहा था कि जाप सिर्फ प्रिया ही करेगी और प्रिया ही करेगी। और इस घर में कोई ऑडियो वगैरह नहीं चलेगा। वही मेरी जिंदगी का सवाल है मॉम, आप लोगों को परवाह नहीं है? नो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। प्रिया, जाप तुम ही करोगी, मुझे प्यार करती हो ना? है ना? आई एम लाइक माय बेबी। चलो बैठो। मॉम, ब्रेकफास्ट के लिए आ जाओ। क्या बनाया आज? सैंडविच बनाया पापा। वाओ, मेरे फेवरेट। नाइस। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनाम् उर्वारुक निव बंधनात्। अरे गायत्री जी, आप जी। नमस्ते। नमस्ते, बहुत सही मौके पर आई हैं आप। आइए ना हमारे साथ नाश्ते पर ज्वाइन कीजिए। और ऐसे हाथ नीचे, इडियट। और रिकॉर्डिंग होती रहनी चाहिए। ओके। हे माय ब्यूटीफुल मदर इन लॉ, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड। समधन जी, आज माफ कर दीजिए, नेक्स्ट टाइम पक्का ब्रेकफास्ट करूंगी आपके साथ। आज तो मैं बस अपनी बेटी को देखने आ गई। उसके व्रत का पहला दिन है ना, तो बस बहुत बेचैनी हो रही थी, तो देखने आ गई मेरी बेटी की तबीयत कैसी है। कैसी हो तुम बेटा? बस प्रिया को देख लिया तो मन में तसल्ली हो गई। अच्छा तो मैं चलती हूँ, आनंद मेरा इंतजार कर रहे हैं। अरे मॉम, वेट वेट, लेट मी टेल यू, आपने जो पंडित जी भेजे थे ना, उन्होंने बिल्कुल सही कहा था। आई मीन, जो भी कहा वैसा ही हुआ। शुरू में तो प्रिया ने व्रत रखने के लिए मना कर दिया था, लेकिन मैंने
इसी तरह प्रिया को मना लिया। थैंक यू सो मच। अरे इसमें थैंक्स वाली कौन सी बात है, ये तो मेरा फर्ज है ना। तुम भी तो मेरे बेटे जैसे हो ना। बेटे जैसा मतलब? बेटा हूं। ओके चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ा चलती हूँ। बाय बेटा, ध्यान रखना अपना। वैसे विक्रांत, मेरी प्रिंस अब मामले में बहुत जिद्दी है, पता नहीं तुमने उसे कैसे मना लिया। हम टेंशन मत लीजिए, आजकल प्रिया वही करती है जो मैं चाहता हूँ। सीरियसली? यस एब्सोल्युटली। वैसे विक्रांत प्लीज मुझे गलत मत समझना, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि सच में प्रिया ने अपना मन बदल लिया? मतलब? वीर, आज से तुम्हारी ड्यूटी चिल्ड्रंस वार्ड में। नहीं यार मिस गोलगप्पा, मैं यहाँ पर ड्यूटी नहीं कर सकता यार, थक गया हूँ मैं इन बच्चों से। पूरा दिन रोते रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, हर दो दो मिनट में इन्हें नंबर वन नंबर टू जाना होता है, मैं ये हैंडल नहीं कर सकता, प्लीज। हेलो, मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ, तुम्हें बता रही हूँ। एंड सेकेंडली इट्स मैम। ओके झांसी की रानी, लेकिन मुझे यहाँ एक हेल्पिंग हैंड चाहिए। नहीं मिलेगा। एंड आई सेड इट्स मैम। हदे यार, क्या मैम मैम लगा के रखा है? तुम मेरे लिए मिस गोलगप्पा थी, हो और हमेशा रहोगी। इनफैक्ट अब तो मैंने तुम्हें नया नाम भी दिया है, झांसी की रानी। तो जब भी तुम ऐसे बॉस गिरी करोगी ना, मैं तुम्हें इसी नाम से बुलाऊंगा। ओके शट अप वीर, तुम ऐसे रूल्स नहीं तोड़ सकते। और तुम्हारा सबसे पहला रूल है कि तुम मुझे मैम कहोगे, गेट इट? नहीं, नहीं कहूंगा मैं तुम्हें मैम। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.